पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पुलवामा की घटना के बाद सेना द्वारा किए गए बड़ा एक्शन होने के बाद मुरादाबाद में कांग्रेसी नेता ने विवादित बयान देकर भूचाल ला दिया है। इंडियन एयर फोर्स के द्वारा किए गए हमले को हाजी सगीर सैयद ने फिल्मी शूटिंग बताया है। उनका कहना है कि भाजपा का ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। आपको बता दें, इससे पहले भी ये नेताजी जम्मू कश्मीर में विवादित बयान दे चुके हैं। सगीर सैयद खान हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ भाई, और मैं जम्मू कश्मीर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मॉनिटरी डिपार्टमेंट का ऑब्जर्वर रहा हूँ। तो मेरा मतलब यही कहना है कि अभी पता चला मुझे कि भाई कि इन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। भारतीय जनता पार्टी सब चुनाव के लिए ये सब ड्रामे कर रही है और ये सब शूटिंग है। कोई हमला हमला मुझे लगता नहीं इन्होंने किया। ये शूटिंग करने में माहिर हो गए हैं। अब फिल्मों में जो शूटिंग होती लगता है जैसे असलियत है, ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान लगता है कि हमारा क्या हाल करेगा। लगता है इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी पावर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और हमारे राजीव गांधी ने इन्होंने सबने मिलकर बनाई, उस ताकत को ये नेस्त नाबूद कर देना चाहते हैं। उसकी इज्जत हमारी मिट्टी में मिला दी है इन्होंने। ये झूठी झूठी शूटिंग करते हैं और दिखा देते हैं हमला हमला कर दिया उसके बदले में। कोई हमला हमला नहीं करते। इससे हमारी बड़ी बदनामी हो रही है। इससे पूरी दुनिया के अंदर हमारा जो जवाहरलाल नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने और हमारे राजीव गांधी ने जो मेहनत करके इस देश के को एक ताकत दिलाई थी, हमारी फौज को और हमारे, उसमें राजनीति करने लगे हैं ये लोग। सब राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव का मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। इस बारे में ये सीरियस मैटर है। इसमें हमें जैसे पहले मुकाबला करते थे हम लोग, उसी तरह से हमें वैसे ही मुकाबला करना है जैसे कांग्रेस की सरकारें करती थी। आज सरकार ने एक बयान जारी किया है कि सुबह 3:30 बजे भारतीय फोर्स ने हमला किया है। अरे साहब, बार बार कह तो रहा हूँ, सब शूटिंग थी। शूटिंग कर रहे हैं, ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। चुनाव का मुद्दा है, चुनाव जीतना चाह रहे हैं किसी हालत से। अब ये चुनाव कहाँ से जीत जाएंगे? आज तक कुछ इन्होंने कुछ किया हो तो बताओ भाई, किस बार देश पर चुनाव जीत जाएंगे? हमारे 10 फौजियों के सर लाने को कहा था इन्होंने, उनके पाकिस्तान के। आए एक हमारे 10 फौजी जा रहे हैं और उनका एक आतंकवादी भी नहीं मारा जा रहा है। ये क्या इंसाफ हो रहा है? ये कब होगा? हमें इंसाफ कब मिलेगा? ये सरकार नहीं दे पाएगी। हमारी माननीय राहुल गांधी जी की जो सरकार आएगी, हम एक के बदले में 10 नहीं 20 सर लेकर आएंगे। आपको दिखाएंगे, इसका बदला भी लेंगे। आप पुलवामा का हम दिखाएंगे आपको। मतलब आप नेगलेक्ट करते हैं, कोई हमला नहीं हुआ? कोई हमला नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी है ये सब। इस तरह का इनको नहीं करना चाहिए भाई। अच्छा, एक चीज और है। हाँ। आपने जम्मू कश्मीर में बैठकर के बयानबाजी की थी। हाँ। बयान आपका काफी चर्चा में भी रहा था। हाँ। कि जो जेलों में बंद है आतंकवादी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तानी है ना वो, कश्मीरी लोग जो हिंदुस्तानी है और जो बेगुनाह है उनके लिए मैंने कहा था। कितने कितने रुपए देने की सरकार, कितने रुपए की आपने? उस वक्त 1 करोड़ देने की मांग की थी, और होनी भी चाहिए। अगर कोई बेगुनाह साबित हो जाता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसका घर बर्बाद हो जाता है, और वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसे बेगुनाह साबित करता है तो उसे दे देना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस नेता के इस बयान के आने के बाद हिंदू संगठनों ने कांग्रेस के इस बयान का विरोध किया है और अपना विरोध दर्ज कराया है। हमला बोलते हुए हिंदू संगठनों के नेताओं ने क्या कहा, आप भी जान लीजिए। एयर सर्जिकल स्ट्राइक की है एयरफोर्स के द्वारा, उसमें एक हाजी सगीर सईद का विवादित बयान आया है, वो इस पर भरोसा नहीं कर रहा, क्या कहें? ऐसा ये कांग्रेसी जितने भी नेता हैं, ये जो है मोदी जी पर कोई भी भरोसा करना नहीं चाह रहा। ये चाह रहा है कि हम जो है अपने सिर पर पाकिस्तान तो बढ़ा लें, ये तभी भी मुमकिन नहीं होगा। मोदी जी ने बहुत अच्छा जो है ये सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में बढ़ करती है। हमें मोदी जी पर पूरा भरोसा है, और ये जो कांग्रेसी चाहते हैं वो हम कभी जिंदगी में नहीं होने देंगे। ये चाहते हैं कि हम अपने सिर पर पाकिस्तान तो बढ़ा लें, ये मुमकिन तभी मुमकिन नहीं होने बेटा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अच्छा, जो अभी उनका एक बयान आया है, उन्होंने इससे पहले भी कांग्रेस कश्मीर पे एक बयान दिया था कि कश्मीरी में जो आतंकवादी हैं उन्हें 1 करोड़ रुपया दिया जाए और उन्हें छोड़ दिया जाए। ये कांग्रेसी हमेशा पाकिस्तान का साथ देते हुए हैं, अब से नहीं, जब से इतिहास लिखा गया है, जब से आज तक इन्होंने कांग्रेसियों ने पाकिस्तान का ही साथ दिया है, इसीलिए ये पैसे देने की बात करते हैं। इतने ये पैसे देने वाले बनने तो हमारे जो शहीद जवान हुए हैं उन्हें पैसा दें, शहीदों को दें, उन्हें श्रद्धांजलि तो दे नहीं पाते, ये पैसा देंगे? ये हमेशा पाकिस्तान की मदद करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, ये हम कभी कांग्रेसियों को होने नहीं देंगे। जहां एक ओर पूरे देश सैन्य बल के द्वारा दिए गए जवाब से खुश है, तो वह
खुशी मना रहा है, तो वहीं कांग्रेस के नेता के इस बयान से सख्ती लोकप्रियता पाने की बू भी साफ आ रही है। कांग्रेस नेता हाजी सबीर शहीद के बयान आने से मुरादाबाद ही नहीं बल्कि अन्य लोगों में भी गुस्सा साफ नजर आ रहा है। एक विवादित बयान आया, उसने कहा है कि अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि सर्जिकल स्ट्राइक की भी है या नहीं, क्या कहें इसे? देखिए, कांग्रेस का पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए, पिछली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें भी उनका यही बयान आया था कि ये फर्जीवाड़ा है, इसमें कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। आज जिस तरीके से 20 से दिन से एक महीना हो चुका है जो मेरे देश के 47 जवान शहीद हुए थे, उनकी मौत का बदला कुल मिला के अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ मायनों में अभी तक कुछ उनका पूरा हो पाया है। मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने यह कदम उठाने का प्रयास। लेकिन कांग्रेसी नेताओं का जिस तरह से विवादित बयान आना, आतंकवादियों के फेवर में बयानबाजी करना, उन्हें 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग करना, क्या कहें इसे? देखिए, कांग्रेस एक घोटालों से बनी हुई पार्टी है जिसने पूरे देश को लूट खाया है ना। अगर उन्हें इतना आतंकवादियों पर प्यार आ रहा है तो उनके घर में जाके रहने लगे और उनको अपने फंड से, जैसे बोफोर्स घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ और कनीमोजी घोटाला हुआ, अन्य तरह तरह के घोटाले हुए, अपने फंड से उन्हें पैसा दे दे और एक बार पैसा देकर दिखाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इनका पूरे देश में निकलना मुश्किल कर देगी, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो। हम बता देना चाहते हैं, विद्यार्थी परिषद छात्रों का संगठन है, छात्रों की तरफ से अगर ये इसी तरीके से अपने बयानबाजी करते रहे तो ये इनकी कांग्रेस पार्टी पूरे देश से इस बार खत्म हो जाएगी और छात्र इन्हें, युवा इन्हें हर तरफ से, हर तबके से हटाने का बिल्कुल